saw. Ocean eyes so deep that I could fall in. I didn't care about all of your flaws. And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. I look across and expect to see your face. And remember you're a thousand miles away. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह एक व्लॉगर को एक व्लॉगर मिल गया। हेलो, हाय। तेरा चैनल का नाम बता। संतोष थोपे, ये लिंक डाल देगा। देख लो, मैं लिंक डाल दूंगा, सब्सक्राइब करना। न्यू व्लॉगर है। और भाई देखो, ये GoPro 8 से व्लॉग करता है। What's up guys, welcome back to the channel. So, आप सोच रहे हैं कि अचानक से मैं यहाँ पे रस्ते में बैठ के कहाँ पे हो इंट्रो कर रहा हूँ। तो आज मैं मेरे दोस्त को मिलना है अचानक से। रात को हम लोग ने प्लान बनाया कि बाहर मिलते, उसको भी व्लॉग करना था, मेरे को भी व्लॉग करना था। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो मे बी बहुत अच्छा बी बॉय करता है, जिसका नाम है विष्णुराज ददेल, AKA बी बॉय डैश। तो इसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे चेक कीजिएगा। बहुत अच्छा फिल्म मेक करता है, ये देख लो क्या 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 करता है ब्रो तू। मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ, डांस जर्नल। तुम्हारा नाम क्या है या हम रखे आपका नाम? तुम रखो मेरा नाम। डोनाल्ड चाचा? हाँ, डोनाल्ड चाचा। हाँ, रोनाल्ड चाचा। डोनाल्ड रोनाल्ड चाचा। से हाय टू रोनाल्ड चाचा। यो व्हाट्स अप, पीस आउट, बाय। फिलहाल मैं अभी बहुत ज़्यादा बात कर रहा था कैमराज एंड व्लॉगिंग कैसे करना है इन भाई के साथ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे। एंड डेली व्लॉग है आज, शायद मेरा फिफ्थ व्लॉग है, आई एम श्योर नहीं। अभी मास्क कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग इसलिए इधर बैठे, ये भाई को भी मास्क पहना गया है, और ये जो बी बॉय डैश है मेरा बिहाइंड द सीन्स ले रहा है। और इसने एक चैलेंज लिया एक्चुअली कि डेली व्लॉगिंग करने का। इसका फिफ्थ व्लॉग है ना ब्रो तेरा? फिफ्थ व्लॉग है इसका डेली वीडियो का, डेली व्लॉग का। तो मैं भी ट्राई करूँगा, कभी भी डेली व्लॉग स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आपको बता दूंगा जब भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो जल्द से जल्द आज का कंटेंट मेरे को मिल गया। आज हम लोग ने पूरा व्लॉगिंग के बारे में बात की है, तो इससे कुछ सवाल पूछते हैं अभी इसको बिठा के, इसके बाजू में बिठा के कुछ सवाल पूछते, देखते क्या होता है। चाचा का नाम क्या बोलेगा? फाइनली हम लोग ने काफ़ी बात किया यूट्यूब को लेके, नॉलेज शेयर किया एक दूसरे के साथ। एंड इट्स टाइम टू गो नाउ। बाय। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे शेक आउट करना? अरे सर, आप लोग सबसे मेरे को क्वेश्चन करना था। ये ना अभी ये लैंग्वेज में, एक फ़ोन पे बात कर रहा था अपने फैमिली मेम्बर से, और मैंने पूछा इसका लैंग्वेज कौन सा, जो मैंने कभी सुना नहीं था। कौन सा लैंग्वेज का? सौराष्ट्र। मैंने पहली बार सुना। आपने पहली बार सुना कि ये आपको पता है क्या सौराष्ट्र? ऑब्वियसली पहली बार सुनेंगे किसके क्या, मतलब ज़्यादा जो लोग को पता नहीं एक्चुअली क्या है ये लैंग्वेज, क्योंकि पहले जो है ये काइंड ऑफ गुजरात के यहाँ पे होता था, फिर गुजरात के राजा ने पूरा हम लोग का कास्ट को भगा दिया, तो वो लोग पूरा स्प्रेड हो गए। बट अभी मोस्टली सौराष्ट्र लैंग्वेज जो है, आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट मोस्टली जो सौराष्ट्र के जो लोग हैं वो तमिलनाडु में, क्योंकि मैं भी तमिलनाडु मदुरै से बिलोंग करता हूँ, लगता नहीं हूँ क्योंकि अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि इतना गोरा क्यों है, बस मेरे को काला कर दे चलेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे उसका आंसर नहीं कि मैं गोरा क्यों हूँ, बट यस, क्योंकि मोस्टली अभी सौराष्ट्र लोग तमिलनाडु मदुरई में है। मेरे कंटेंट में बहुत ज़्यादा वैल्यू और नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, एंड जिसको पता नहीं उसको आज पता चल जाएगा सौराष्ट्र। मैं सोच रहा था, मैं कल सुना था, मुझे क्या लगा साउथ इंडियन और महाराष्ट्र ये जॉइन करके। अरे एक्चुअली सब लैंग्वेजेस मिक्स है, क्योंकि छोटा छोटा एक जो वर्ड आता है सब लैंग्वेजेस में एक्चुअली मिक्स है। तो अभी फाइनल वाला बाय करते हैं। बाय। तो मेरे पापा से थर्ड टाइम बाय करे, एक बार वहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे एक बार मेरे व्लॉग में बाय किया था, अभी फिर से इसके व्लॉग में बाय करते हैं। तो ये फाइनल वाला बाय है। एंड सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे करना है सबको।